पांच माह से सऊदी अरब में फंसे रुद्रप्रयाग के गडोरा गांव के लाभ सिंह की सकुशल घर वापसी हो गई है। आपको बता दें कि लाभ सिंह कंडारी करीब चार महीने पहले सऊदी अरब में बैरिंग में इन्फो इंटरनेशनल कंपनी में बतौर सेल्समैन के तौर पर कार्यरत था, लेकिन युवक ने बताया कि उसके साथ कई दिनों से शोषण हो रहा था। वहीं देश लौटने के बाद युवक ने परिवार वालों को अपनी आपबीती सुनाई और युवक ने पूर्व सीएम निशंक और विदेश मंत्री का आभार व्यक्त किया। मैं वहाँ पे तीन चार महीने वहाँ पे रहा विदेश में, बहरीन और सऊदी में, और वहाँ पे मेरे को बहुत दिक्कत हुई आने में। जब मैं तीन महीने तक तो ठीक था, मैं वहाँ पे सेल्समैन में था, ठीक था, पर जब मैं चौथे महीने में घर आना चाह रहा था तो उन्होंने मेरा एक वीज़ा रोक दिया, उसको एग्जिट नहीं लगा, एक वीज़ा एग्जिट लगा दिया, एक वीज़ा पर एग्जिट लगा। जब मैं एयरपोर्ट पर आया तो उन्होंने बोला कि आपका वीज़ा एग्जिट नहीं होगा। फिर जब मैंने उनको दूसरा वीज़ा एग्जिट करने के लिए बोला तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं करेंगे, आप एक लाख रुपये दो हमारा, फिर हम एग्जिट करेंगे। तो उन्होंने हमारा वीज़ा जब एग्जिट नहीं किया तो फिर मैंने निशंक जी से कांटेक्ट किया, पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो अभी हमारे सांसद हैं वर्तमान में, फिर उन्होंने या एम्बेसी को बोल के प्रेशर करके फिर उन्होंने मेरा वीज़ा एग्जिट किया। तो निशंक जी की बहुत अहम भूमिका रही मेरे को यहाँ बुलाने में। दिक्कत वहाँ पर यही थी कि बस जैसे वहाँ पर दुर्व्यवहार किया जा रहा था, मतलब एक महीने बाद उन्होंने कुछ बताया नहीं क्या हो रहा, एक महीने बाद उन्होंने बस परेशान करते रहे। वहीं घर लौटते ही उसने बताया कि उसे वहां जान से मारने की धमकी दी जा रही थी और भारत वापस लौटने के नाम पर पैसे मांगे जा रहे थे। पंजाब केसरी टीवी के लिए रुद्रप्रयाग से भूपेंद्र भंडारी की रिपोर्ट।